हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रौनक रेसिपी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा विद रबड़ी। पूरी वीडियो एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा मैं रबड़ी के साथ बनाऊंगी और मेरा पहले भी गाजर का हलवा बना हुआ है, इसलिए मैं इसे रबड़ी के साथ बना। और ये हमारा क्विक रेसिपी है और इसे मतलब के कुकर में उबाल के बनाना है। इंस्टेंट गाजर का हलवा हम लोग आपको बता रहे हैं ताकि ये जल्दी से बन जाए। हाँ। और इसलिए इसे रफली चॉप कर लेना है मुझे। तो आजकल के बिजी शेड्यूल में सबके पास टाइम नहीं होता है इतना इसे छीलना, ग्रेट करना। सो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, काफी जल्दी बन जाएगा और उसी तरीके से टेस्टी भी बनेगा। और ये गाजर हमारा 1.5 kg है। डेढ़ के लिए हमने गाजर लिया है, फ्रेश होना चाहिए गाजर, बासी नहीं होना चाहिए। ये ताज़ा गाजर है और इसे मैं कट कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद क्या करना है। तो ये आप रफली चॉप कर सकते हैं, इसी तरीके से रफली चॉप कर लीजिए। इसे आप कट लगा के कुकर में उबालने से, ये 1.5 kg है और इसे मैं 1/2 kg दूध से उबाल रही हूँ। और इसे 1/2 kg दूध में उबाल लेते हैं, ये गाजर भी पानी छोड़ेगा, दोनों मिला के अच्छे से उबाल लेना। इसे 4-5 सीटी लगा लेना है, देख रहे हैं कितना हमारा ये पका है। सो ये देखिए गाजर अच्छे से पक चुका है और इसे अच्छे से मैशर से मैश करके इसी में पका लेंगे। तो गाजर बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुका है गाजर। मैशर से इसे मैश कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसे अच्छे से चारों तरफ से इकट्ठे करके मैश करना है। और जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो इसको घी में भूनना है। मैश हो गया है, अब इसे हाई फ्लेम में इसे गाजर को खूब भूनना है और इसमें बाद में घी चीनी वगैरह सब डालेंगे। अब ये गाजर का पानी सूख चुका है, अब इसे खूब भूनना है। अब इस वक्त मैं इसमें मावा दे रही हूँ, ये 150 ग्राम मावा है, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। मावा दे दिया हमने, आधी चम्मच इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर से अच्छा फ्लेवर आएगा तो आप भी ज़रूर ऐड करें। और केसर का धागा है, ये केसर भी ऐड कर देना है थोड़ा इसमें, ये ऑप्शन अगर आपको ऐड करना करें। अब इसे लगातार भूनना है, इसमें मैं घी भी ऐड कर दे रही हूँ। तो अच्छे से लगातार इसे भून लीजिए। हमारा यहाँ पर 100 ग्राम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, 100 ग्राम घी यूज़ कर रही हूँ। जब तक ये भुना रहा है इस वक्त मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट है इसे फ्राई करके मैं रख ले रही हूँ। तो इस तरफ ये गाजर का हलवा बन रहा है, तो यहाँ पे जब तक ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। फ्रूट में यहाँ पे कुछ एलमंड है और थोड़ा सा काजू है और थोड़ा सा पिस्ता है, इन सभी को थोड़ा रोस्ट कर लेना है, अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। एक तरफ हमारा गाजर बना रहा है और यहाँ पर एक पैन में हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसे थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर दूंगी मैं। तो बेसिकली ये रबड़ी बनेगा और ये ऑप्शनल है, आप लोग इसे रबड़ी के साथ गाजर का हलवा खाएंगे तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। इसे लगातार भुनना है और इसे बनाना बहुत इजी है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ये जो थोड़ा सा मावा बचा था इसमें इस्तेमाल कर ले रही हूँ। हाँ, हाफ मावा इसमें यूज़ होगा रबड़ी में, दूध में, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था हाफ मावा। तो शक्कर मैं दूंगी इसमें, मैं 2 चम्मच शक्कर ऐड कर रही हूँ। इसे लगातार स्टर करना है और ताकि ये थिक हो जाए तब तक। ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए इसमें दूध उतना जलेगा नहीं, अगर एलुमिनियम का कढ़ाई होता तो जल। चीनी दे रही हूँ, 400 ग्राम शक्कर मैं ऐड कर रही हूँ, अब वो आप मिठास चख लेंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसे अच्छे से भून लेना है। तो इसे और भूनना है, इसे गाढ़ा करना है, थिक कर लेना है एंड इसको भी अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। सो यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसमें केसर ऐड कर देंगे, ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा लगे, देखने में कलर भी अच्छा आएगा। हाँ, और इसे थोड़ी देर पकाना है ताकि साइड पर भी चलाते रहना है ताकि साइड में ये लग ना जाए साइड में। केसर से अच्छा फ्लेवर भी आता है रबड़ी में, वैसे इसके साइड का भी लगातार निकालते रहेंगे क्योंकि साइड से ही जाके ये गाढ़ा होगा, इसी से ठीक बनेगा। इसके लिए नॉन स्टिक पैन बहुत अच्छा होता है। हाँ, ताकि इसमें जलेगा नहीं रबड़ी आपका, एंड इधर गाजर भी अच्छे से भूनना है तो साइमल्टेनियसली दोनों काम करें।
तरह से अगर घी आपको कम नजर आए तो और भी थोड़ा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे कितना भूनना है, जितना अच्छे आप भूनेंगे उतना टेस्टी है बनेगा। इतना भुनना है कि गाजर का स्मेल चला जाए और बिल्कुल सोंधा गाजर का हलवा बन के तैयार हो। अभी इसे और भुनना है, थोड़ी बन ही चुका है, थोड़ा और गाढ़ा करना है। अभी पतला है, ये थोड़ा और थिक करना है इसे। रबड़ी हमारा बन के तैयार है, इसे एक साइड रबड़ी भी चढ़ा दी, इसलिए रबड़ी पहले बन के तैयार हो चुका है। और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और ये अभी और थोड़ा सा 10 मिनट भूनना है, इसलिए गाजर में सोनापन आना चाहिए, नहीं तो अच्छा मज़ेदार ही नहीं आएगी फिर इसमें। तो इसे थोड़ा सा और भूनना है और आप मीठा अपने अंदाज से चेक कर सकते हैं, अगर कम पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसे भून लीजिए। और ये रबड़ी तो काफ़ी थिक हो चुका है, ये देखिए काफ़ी थिक बन के रेडी है। मलाई वाली रबड़ी रहती तो थोड़ा पतली रबड़ी बनानी चाहिए, हाँ क्योंकि ये रबड़ी है इसलिए गाढ़ी रबड़ी अच्छी लगती है। तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसे अभी थोड़ा ठंडा होने देना है। अब ये हलवा भुना चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं रखूँगी गार्निशिंग के लिए। अब ये हलवा बन चुका है और इसमें मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर चुकी हूँ। अब इसे ये काफ़ी भुना चुका है, मैं इसे कम से कम 1.5 घंटा भुनी हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। इसमें घी तकरीबन 200 ग्राम पड़ा होगा। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल बाहर के जैसा, बाहर से भी अच्छा, बाहर में तो तुम्हारा कलर रहता है ऑरेंज, गाजर हाँ, का कलर। ये मतलब इतना भूनने के बाद ये कलर आया है और इसकी क्वांटिटी देखिए काफ़ी कम हो गई है। मतलब ये हमने ज़्यादा गाजर लिया था लेकिन भूनने के बाद बन के 1/2 kg होगी। और ये रबड़ी के साथ काफ़ी बेस्ट लगेगा, टेस्टी लगेगा, दोनों का बेस्ट कॉम्बो लगेगा। ये देखिए कितना थिक है ये रबड़ी एंड विद दिस गाजर का हलवा इट विल बी सो डिलीशियस। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सो गाइस अब हम लोग इसे सर्व कर लेते हैं। ये जो डिलीशियस गाजर का हलवा है इसे हम लोग सर्व कर लेते हैं एक डिश में, एक ट्रे में। एंड काफ़ी टेम्पटिंग है, काफ़ी डिलीशियस है, इट इज़ वेरी वेरी डिलीशियस। आप इसके कलर से पहचान सकते हैं इतना अच्छा बनाइए। भुनना है इसे, बहुत मेहनत है इसमें ये बात तो है, लेकिन उसके बाद ये खाने में काफ़ी टेस्टी इसे है। मैं काफ़ी भुनी हूँ, हाँ 5 किलो हलवा, 5 किलो हलवा बनाना तो बस के बात नहीं भाई, इसलिए आप जितना बना सकते हैं आप उतना ही बनाएं। तो हमने आपको इतनी क्वान्टिटी में बना के दिखाया है। अब इसे अच्छे से जगह कर दे रही हूँ मैं। और ये रबड़ी भी अब हम लोग इसे एक रबड़ी मैं इसे अलग से निकाली एक बोल में, इसलिए कि जब मर्जी होगा रबड़ी के साथ खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक साथ मिला सकती हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये ज़्यादा सेफ्टी रहेगा, ज़्यादा दिन चलेगा और टेस्टी लगेगा। जिसको पसंद हो वो मिला के खा सकता है। अभी आप ले लें, इसलिए कि ये अच्छा थिक रहता है, जो ऊपर में लेयर जमता है वही रबड़ी। हाँ तो अब इसे अच्छे से गार्निश कर देते हैं। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो थोड़ा सा बचा लिया था हमने, इसे ऐड कर दीजिए। नाउ लेट्स सर्व दिस गाजर का हलवा विथ रबड़ी। काफ़ी टेम्पटिंग एंड काफ़ी डिलीशियस है ये। आप लोग इसे खाएंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कितना टेस्टी एंड टेम्पटिंग बनाइए डिलीशियस गाजर का हलवा। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी ड्यूरिंग विंटर्स एंड काफ़ी टेस्टी लगता है विथ रबड़ी। ये देखिए रबड़ी जो है काफ़ी थिक बना है, इसके साथ बेस्ट लगता है ये कॉम्बो, बोथ आर वेरी वेरी डिलीशियस। देन डू ट्राई दिस क्विक एंड ईजी गाजर का हलवा रेसिपी विथ रबड़ी एंड आई एम टेलिंग यू ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं ये कॉम्बो आपको कैसा लगा एंड हमें फीडबैक ज़रूर दें। सो गाइज हमने इसे सर्व कर लिया है गाजर का हलवा विथ रबड़ी एंड दिस इज सर्व्ड वेरी नाइसली। ये देखिए नीचे गाजर का हलवा है एंड ऊपर से रबड़ी ऐड करके इसे खाएं, एंजॉय करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो कॉमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगा ये रेसिपी एंड
लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर विद एवरीवन जिसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, ताकि वो भी ये इजी एंड क्विक रेसिपी बनाए एंड इसके साथ ट्राई करें रबड़ी के साथ। सो आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस डिलीशियस गाजर का हलवा को इन्जॉय करें। काफ़ी डिलीशियस एंड काफ़ी टेम्पटिंग है। ये देखिए रबड़ी के साथ ये गाजर का हलवा कितना कितना डिलीशियस है, कितना बेस्ट कॉम्बो है ये। इट्स लुकिंग सो टेस्टी एंड सो यमी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड ये गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई करें।